गजब, फाइनली स्नोफॉल आ जा, कुछ हाथ में आ जा यार, कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी होटल में आज का स्टे है, कैपेलिन रिसॉर्ट। चलते हैं, चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आई लव मनाली। चलिए, ये अपना मनाली का दूसरा होटल, ये देखिए द कैपेलिन रिसॉर्ट। एक फोर स्टार एंड स्पा भी है, तो फोर स्टार रिसॉर्ट है इसमें आज की स्टे है। तो चलते हैं, ये आपका काउच एरिया, रिसेप्शन, इधर भी आप सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, रूम नंबर हमारा है 512, तो जस्ट अलाउड। ओके, ये चलते हैं इसमें, सबमिट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही इसको लॉक करो गेट को, लेफ्ट साइड में आपको वही कबर्ड दिख जाएगा। ठीक है, कबर्ड में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रहते हैं जी, अगर नीड हुआ तो। ठीक है, ये प्रॉपर फोर स्टार रिसॉर्ट है, ऐसा नहीं कि कंप्रोमाइज वाला फोर स्टार। चलिए रूम दिखाते हैं, उसके बाद वॉशरूम। यहाँ आप कुछ भी सूज, यहाँ आप लगेज रख सकते हैं। ये आपका डस्टबिन है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं हूँ। और बेसिक अम्यूनिटीज जो आपको है, यहाँ पे देखिए टी कॉफ़ी मेकर, ये फिर वो जस्ट स्टेट करने के लिए वाटर बोतल केतल, जो बेसिक रहता है अम्यूनिटीज, वो बेसिक अम्यूनिटीज है। यू जस्ट सी दिस साइड, एक बढ़िया सा अच्छा सा एक टीवी लगा हुआ है, यहाँ टेबल है, यहाँ एक कॉच एरिया है जिस पे आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। एंड ये मेरा लगेज है। ठीक है, ये एक प्यारा सा रूम, देखिए मैं दूर से दिखाऊं आपको, एक प्यारा सा सुंदर सा रूम है। ये इंटरकॉम है, ये आपका मीनू, मीनू का एक बार प्राइस चेक कर लूं थोड़ा। सेकंड, अगर प्राइस चेक कर लूं तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट 449, इंडियन 350। प्रॉपर फोर स्टार है, थोड़ा सा कॉस्टली दिखेगा, बट इन लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो बाकी चॉइस आपकी है, आप जैसे जो करना चाहें ऑर्डर वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेबल है, यहाँ पे भी वॉलेट रखा हुआ। अब चलिए, अब इस टाइम टू जस्ट सो द वॉशरूम। जैसे ही वॉशरूम में एंटर करेंगे, ठीक है, ये एक अच्छा सा सुंदर सा बेसिन, ये क्या है, हैंड वॉश, ये फिर आपका टेबल, किचन, एक छॉस्टर, इधर भी आपका, ये फिर दो यहाँ पे रखा हुआ है, एक है शैम्पू और एक है साबर, जिनका इनका ब्रांडिंग किया हुआ है ये साबर। ओवरऑल बाथरूम भी गुड, अच्छा है यार, बाथरूम स्पेसियस है, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस बाथरूम इज थोड़ा स्पेसियस है, नहीं तो बाथरूम लोग कंप्रोमाइज करके बना लेते हैं। ओवरऑल होटल काफ़ी अच्छा है, फोर स्टार प्रॉपर रिसॉर्ट है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब मैं दिखाता हूँ आपको, जिसके लिए ये होटल पॉपुलर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आई जस्ट रिमूव द कर्टन फ्रॉम देयर, यू जस्ट सी द मैजिक यार, इस कर्टन को यहीं से रिमूव करो, सी द मैजिक। आप बेड पे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे माउंटेन का मजा लीजिए। चलिए, ये बालकोनी है, मैं बालकोनी से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इधर बालकोनी में आया और बालकोनी से ये देखिए, कमाल का व्यू है यार, जस्ट। अब बालकोनी भी अच्छा स्पेसियस है, ऐसा नहीं है कि छोटा है, बालकोनी भी काफ़ी बड़ा है, तो ये भी इंजॉय कर सकते हैं।
या यू कैन जस्ट सीट हेयर एंड जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। यही यही प्लस पॉइंट होता है एक लग्जरी रिसॉर्ट में और ये में कि इसकी व्यू ही वाइब ही काफ़ी तगड़ी आती है। हमारा मनाली का दूसरा रिसॉर्ट है फोर स्टार, वो फोर स्टार एमिनिटीज मेंटेन करता था। ये रिसॉर्ट प्रॉपर फोर स्टार रिसॉर्ट है, इसमें 50 प्लस रूम्स है और सब रूम कितना, इसका रूम का साइज देखिए हमें लग रहा है 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, 300-350 स्क्वायर फीट प्रोक्स हो जाएगा कम से कम। तो एक अच्छी है यार, अगर आप स्टे करने आ रहे हैं ना मनाली में आ रहे, थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी का ड्रॉबैक कहें या क्या कहें जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉल रोड से दूर है, 6-7 किलोमीटर मॉल रोड हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांति चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, बिकॉज आप चीज़ों को समझिए, मॉल रोड रेगुलर नहीं जाएंगे लेकिन रूम में स्टे करने का जो वाइब आएगा ना, रूम में स्टे करने का जो मज़ा आएगा ना, वो काफ़ी तगड़ा वाला फील आने वाला है। ये देखिए इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, जस्ट आई एम टैप ऑन दिस, नहीं हाँ ये देखिए रूम से ही व्यू है ये माउंटेन का, तो इसकी अलग ही वाइब है यार। चलो डिनर स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर रिसॉर्ट का अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद चेकआउट कर दूंगा 11-12 बजे। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस रिसॉर्ट का, और काफ़ी सबसे प्लस पॉइंट है कि इस रूम की जो साइज है ना वो काफ़ी ह्यूज है, और बालकनी इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर बालकनी है, और बेसिक एमिनिटीज जो भी चाहिए आपको एक फोर स्टार में। और सबसे मज़े की बात बताएं, जो जैसे देखिए उन्होंने वाटर बोतल दिया, वाटर बोतल भी डिफरेंट था, इसमें लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन की मात्रा 30% अदर पानी से ज़्यादा है। इसकी हाफ लीटर की कॉस्टिंग 20 रुपीज़ थी। जैसे टी बैग दिया वो टेटली का दिया, तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर चीज़ें ना ब्रांड पे ध्यान देते हैं, इसीलिए फोर स्टार लग्जरी रिसॉर्ट में अकाउंट होता। मैं जो रूम इसको बुक किया हूँ एग्जैक्टिव क्लास का रूम बुक किया हूँ, और ये काफ़ी अच्छा रूम है। एग्जैक्टिव का प्रीमियम में डिफरेंस ये है कि प्रीमियम में बालकनी नहीं है, एग्जैक्टिव में बालकनी है। एग्जैक्टिव से ऊपर एक स्वीट रूम है, बस तीन ही कैटेगरी का रूम है, और लगभग 50 प्लस रूम की ये प्रॉपर्टी है। बहुत ही बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। आप यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा मेसी हो गया होगा रूम, लेकिन सही है यार, रूम का साइज काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी वाइब आएगी, गुड वाइब आएगी। बालकोनी इसका काफ़ी अच्छा है, बालकोनी का साइज भी काफ़ी बड़ा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा बालकोनी है, ठीक है, इधर से भी मैं दिखाऊं यहाँ से, ये पूरा बालकोनी है। हमें लगता है 7-8 लोग आराम से एक स्ट्रेट लाइन में बैठ जाएंगे। तो ओवरऑल इस कैपलॉन रिसॉर्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको एक रिजनेबल प्राइस यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, ब्रेकफास्ट का कैसा टेस्ट है क्या है वो बता दें। टेस्ट कर सकते हैं, पिकल्स, अचार, अच्छा आलू पराठा, पोहा, कर्ड, ठीक है, एक का है कॉर्नफ्लेक्स, चोको फ्लेक्स थे ब्रेकफास्ट में, थोड़ा कम आइटम थे बाकी। तो अभी ब्रेकफास्ट ले आया हूँ, थोड़ा कम रूम की बुकिंग थी इसलिए ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस कम है, लेकिन जो भी है वो टेस्टी है, टेस्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे ज़्यादा रूम की बुकिंग होती है, जैसे डिमांड होती है, उस अनुसार से इन लोग अरेंज करते हैं। 50 रूम की प्रॉपर्टी है, हार्डली 8-10 रूम बुक है, तो इसलिए इन्होंने कम ऑप्शन रखा, लेकिन टेस्टी है।
बाकी ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा रहा, काफ़ी शांत है, काफ़ी स्पेसियस है, व्यू रूम है, हर रूम में व्यू है, आप यहाँ आ सकते हैं चिल करने के बाद। दोस्तों थैंक यू सो मच, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई डिटेल्स जानना चाहते हैं मेरे इंस्टा पेजेस आप DM कीजिएगा, मैं रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बात क्या है ना कि अभी स्नोफॉल हो रहा है यार बालकनी से, कितना दिख पा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अभी कम गया, अभी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा था, तो आपको स्नोफॉल का मजा लेना है। मैं इसीलिए मैं 3-4 दिन से मनाली में हूँ, मैं एक्साइटेड था कि कब स्नोफॉल दिखाओ, फाइनली आज मैं स्नोफॉल देख लिया यार। और देखिए मेरी बालकोनी से जो व्यू है ना, काफ़ी तगड़ा व्यू है, आप देख पा रहे हैं कितना तगड़ा और व्यू है, काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल काफ़ी इंजॉय किया मैंने इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी की हॉस्पिटलिटी, इस प्रॉपर्टी के स्टाफ्स काफ़ी कोऑपरेटिव, तो थैंक यू सो मच। अभी जैसे देख रहे हो कि ये कैपेलिन रिसॉर्ट है और ये 52 रूम की प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसी में मेरा स्टे चल रहा है अभी, ठीक है। ओवरऑल प्रॉपर्टी का मैंने वीडियो बना दिया है, आपको प्रॉपर्टी का वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा, आपको इस प्रॉपर्टी बुक करनी है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, रूम काफ़ी स्पेसियस है, हर रूम से व्यू है, इस प्रॉपर्टी को अगर बुक करना हो तो आप कर सकते हैं, नीचे मैं डिटेल्स दे दूंगा, जो भी जानकारी आपको चाहिए वहां से मिल जाएगी, आप उनको कॉन्टैक्ट करके बुक करिएगा, अच्छी डिस्काउंट उनको ऑफर कर देंगे आपको।